राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास YouTube प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आप इस तारे। तो दर्शकों, आपकी मैं बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज रात को ईश्वर टीवी पे 10:30 बजे 11 बजे सागर टीवी पे आते हैं और थोड़े ही दिनों में आप लोग हमें इंडिया न्यूज पर भी देखने वाले हैं। इंडिया न्यूज चैनल पे आप लोग हमें देखने वाले हैं रात को। तो आप लोगों की बड़ी समस्याएं तो हम वहां पर दूर करते ही हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर सूर्य देव आपके खराब होते हैं, ये पूरी हमारी 9 ग्रहों की सीरीज बनेगी और इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य देव की। तो देखिए, सूर्य देव हमारे जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी देखते हैं जिनको नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी की, और जो लोग जो घरेलू लोग हैं हाउसवाइफ्स भी देखती हैं, बिजनेसमैन भी देखते हैं, हर प्रकार के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे उसमें। तो जितने भी लोग देखते हैं सभी को जो है ग्रहों की सटीक नॉलेज नहीं होती है। तो आज ये सीरीज बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि अगर सूर्य देव अगर आपके खराब होते हैं तो किन कारणों से, किन किस पहचान से हम ये पता लगा सकते हैं, क्या निशानियां हैं सूर्य देव खराब होने की, और क्या उसकी चीजों से हम पता लगाएं कि सूर्य देव हमारे खराब हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। और सूर्य देव जब हमारे खराब होते हैं तो हमारे को क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है। सूर्य देव, देखिए सूर्य जो है वो आपका गोला है। सूर्य जो है वो साक्षात आपको दिखने वाला एक ऐसा ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको साक्षात नजर आते हैं, बाकी ग्रह भी आपको नजर आते हैं, लेकिन ये सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल समय का पंचुअल, सूर्य देव समय के बिल्कुल पंचुअल आपको बिल्कुल सुबह सुबह आपको जगाने के लिए सूर्य देव आ जाते हैं और ठीक समय पर अंधेरा होने से पहले पहले ही वो अपना अस्त हो जाते हैं। सूर्य आपको पता है कि ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाकर जो है वो छुप जाता है। सूर्य की दिशा जो है वो ईस्ट दिशा है, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। तो दर्शकों, अब हम कैसे पहचाने कि हमारा सूर्य जो है वो ठीक है और हमारा सूर्य खराब है। उसके लिए सबसे पहली पहचान ये है कि आपके घर के अंदर से आप ये देखें कि ईस्ट की साइड आपके घर के अंदर कहीं पर वो कटी तो नहीं हुई है, कट तो नहीं है उसके अंदर, कोई एग्जॉस्ट तो नहीं है, या फिर बहुत एक्सटेंडेड है तो आपका जो ईस्ट जो है वो बहुत बड़ा हुआ है या आपका ईस्ट जो है वो कट है। ये आपने अपने घर में देखना है कि सूर्य आपका क्या है। तो आपके घर के अंदर हमारी सारी डायरेक्शंस होती हैं, हम लोग 32 डायरेक्शंस पे काम करते हैं और सूर्य की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की डायरेक्शन है। और दूसरी चीज हम देखते हैं अपने घर के अंदर, आप देखें कि आपको जो है आपके परिवार में, आपके ससुराल में, आपके रिश्तेदारों में आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा क्या आपकी उतनी मिलती है, क्या जितना आप लोगों के लिए करते हैं उतनी आपको रिस्पेक्ट मिल पाती है। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो समझ जाइए कि आपका सूर्य खराब है। जितनी आप लोगों को इज्जत देते हैं उतनी आपको रिवर्ट नहीं मिल पा रही है तो समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। सूर्य की खराबी आपकी बिल्कुल जो है आपको समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज जो आप बिल्कुल देखते हुए बचपन से हम देखते आ रहे हैं, आपके पिता की कंडीशन। अगर आपके पिता की कंडीशन आप देख लीजिए कि पिता का हमेशा, आपके पिता जो है हमेशा अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे, आपके पिता को हमेशा जो है वो पैसों की तंगी रही, या आपके घर के अंदर उतनी मान इज्जत प्रतिष्ठा उनको नहीं मिल पाई जितनी उनको मिलनी चाहिए थी, या आपके पिताजी हमेशा एक हार्ड वर्कर रहे और वो अपने जीवन में उतनी तरक्की ही नहीं कर पाए जितनी उन्हें तरक्की और मेहनत वो करते हैं, तो समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। और जब लोगों से, जब हमारे पिता के साथ में आपकी बैठते ही लड़ाई हो जाए, पिता के साथ में आपके वैचारिक मतभेद हो जाए, पिता के साथ में आपकी बिल्कुल ना बने, एक छत के नीचे आप दोनों रह ना पाओ, आपके पिताजी आपको बार बार पे ताने मारते रहे और खुद वो ऐसे कार्य ना करें, खुद वो उनके अंदर जो है ना डिसिप्लिन और जो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है, और लेकिन वो आपको हमेशा डिसिप्लिन की, काम करने की दुहाई देते रहे, तो समझ जाइए आपका सूर्य खराब है। सूर्य खराब होने की बहुत सी निशानियां होती हैं, और निशानी एक हमारी चौथी निशानी ये है कि सूर्य जब हमारा खराब होता है तो हम बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक मतलब यानी कि आप जो है ना, आपका सोने का, आप सो रहे हैं तो सोते रहेंगे, आपका उठने का नहाने का मन ही नहीं करेगा अगर आपका सूर्य खराब है। आपके जब हम रात को सोते हैं, बच्चों के अक्सर मुंह से साइड से थूक निकल आती है, सुबह जब हम बच्चों को उठाते हैं तो आप देखेंगे बच्चों के यहाँ पर साइड्स में जो है उनके
जो है थूक निकल रही है या स्लाइवा जो है वो उनका पास हो रहा है यहाँ पर देखिए फेस पर, जब आप आपके बच्चे सुबह उठते हैं, या आपके बच्चे जो है बिल्कुल भी नहाना धोना नहीं चाहते हैं, रूटीन उनका बिल्कुल भी सही नहीं है, या आपका भी रूटीन सही नहीं है, आप एक काम को करने के लिए जाते हो, आप बोलते हो कि हाँ अरे मैं तेरे पास में 4 बजे पहुंच जाऊंगा, 4 बजे तक आप अपने घर पे बैठे होते हो और मीटिंग खत्म हो जाती है, आपका सूर्य खराब है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी हड्डियां जो होती हैं, हमारी हड्डियां बोन्स जो है वो आपकी खराब है। आप जब अपने टेस्ट कराते हो तो कैल्शियम आपका कम निकलता है, समझ जाइए आपका सूर्य जो है वो खराब है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में आती है तो आपका सूर्य जो है वो खराब है। सूर्य खराब होने से क्या क्या और नुकसान होते हैं, सरकार से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर आपका सूर्य खराब है। जिन लोगों के घरों में अक्सर ईडी के, इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहते हैं, या फिर जिन लोगों को हमेशा सरकार से डर लगा रहता है कि इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ईडी वाले मेरे पास पीछे पड़ जाएंगे, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो हमारे पीछे पड़ जाएगा, या सरकार से कोई दिक्कत आ जाएगी। जिन लोगों के मकान, देखिए जिन लोगों के मकान सरकार के द्वारा किसी पॉलिसी के अंतर्गत आकर वो खराब हो जाते हैं, उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिल पाता है, उन लोगों का सूर्य जो है वो खराब होता है। सूर्य खराब को पहचानने की निशानी आपको बताई जा रही है। आप लोग ये सोचकर समझकर आप लोग जान सकते हैं कि कहीं आपका भी सूर्य खराब तो नहीं है। सूर्य खराब होने से क्या होता है, अक्सर जो है पूरे दिन में आप लोग बड़े सुस्त रहते हैं, शाम होते ही चुस्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके सूर्य खराब होते हैं, सुबह के टाइम पे सुस्त, शाम होते ही चुस्त हो जाते हैं, जैसे ही सूर्य ढलता है इनके अंदर पूरी एनर्जी आ जाती है, बताओ कहाँ चलना है, बताओ क्या करना है। कई ऐसे आदमी मैंने देखे हैं जो पूरे दिन तो अपनी बीवी के सामने बिल्कुल लेटे रहेंगे, घर में कुछ काम वाम करेंगे नहीं, शाम होते घर से बाहर निकल जाएंगे और पूरा दिन घर में सोए रहेंगे। ऐसी औरतें भी देखी है, शाम होते ही चुस्त हो जाएंगी, फिर कहेंगी चलो घूमने चलते हैं। तो ऐसे जो है सूर्य आपके खराब है। जिन लोगों को सुबह के टाइम जिनकी आंख जो है आंख जिनकी लेफ्ट आई वीक होती है, उनके भी सूर्य खराब होते हैं। सूर्य खराब होने से आपको मानसिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो लोग रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, अपनी चलाते हैं, एरोगेंट होते हैं, जो लोग दूसरों को तो बहुत एडवाइस देते हैं लेकिन उस एडवाइस को खुद फॉलो नहीं करते, उसके सूर्य खराब होते हैं। दूसरों को आपके घर के आपके रिश्तेदार ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, ऐसे रिश्तेदार जो आपको, आप कभी उनके घर चले गए तो आपको तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा नहीं करते, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम अपने जिंदगी को खराब कर रहे हो। उनकी खुद की खराब है, उसको ठीक नहीं करना है लेकिन आपको ताना देना है, फिर वो सूर्य खराब की निशानी है, उनके सूर्य खराब है। जो लोग खुद जो दूसरों को नसीहत और खुद फसीहत, तो ये जो है सूर्य खराब होने की निशानी होती है। तो हम बात कर रहे थे सूर्य खराब होने की, तो सूर्य इस प्रकार से खराब होते हैं। और जब अब हम बात करते हैं कुंडली में सूर्य कैसे खराब होते हैं, ये तो आप निशानियां बने आपको जो बताई हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे प्रकार के लोग हैं जिनके सूर्य खराब है, तो वो लोग ये उपाय कर सकते हैं जो हम इस प्रोग्राम के लास्ट में आपको बताने जाऊंगी। बहुत ही बेहद ही छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करके अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि कुंडली में सूर्य कैसे खराब होते हैं। बात कर रहे हैं कुंडली में सूर्य कैसे खराब होते हैं। कुंडली में सूर्य ऐसे खराब होते हैं, पहले तो अच्छे कहां पर होते हैं, लगन में सूर्य अच्छा होता है, सेकंड हाउस में सूर्य जो है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, थर्ड हाउस में सूर्य अच्छे होते हैं, फोर्थ हाउस में सूर्य जो है वो बुझ जाता है, उतनी आपको मान इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो नहीं मिलती है, पांचवें घर में सूर्य जो है बहुत बढ़िया है, छठे घर में भी थोड़ी दिक्कत परेशानी देते हैं, सप्तम भाव में सूर्य जो है मैरिड लाइफ के लिए बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, आठवें घर में जो सूर्य जब आते हैं तो ऐसा इंसान, छठे घर के सूर्य को जो है ना गुमनाम योगी भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा इंसान किसी के लिए कुछ भी करता है लेकिन मान लीजिए प्रतिष्ठा नहीं उसको मिलती है। आठवें घर में जब सूर्यदेव आते हैं तो ग्रहण लगा हुआ सूर्य होता है, ग्रहण लगा हुआ। नवम भाव में सूर्य आते ही हरियाली, चारों तरफ हरियाली, बृहस्पति की मदद और प्रकाश ही प्रकाश, और साथ में हवाएं भी ठंडी चल रही हैं, ऐसा सूर्य आपका नवम भाव के होते हैं। दसवें घर में आकर सूर्य कुल दीपक योग बनाते हैं, ग्यारहवें भाव में भी सूर्य ठीक हो जाते हैं,
लेकिन थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको देते हैं, ठीक है। 12वें भाव में सूर्य जो है वो आपको दिक्कत देते हैं, 12वें भाव में सूर्य भी इतने ठीक नहीं होते हैं। तो दर्शकों ये मैंने आपको बताया कि 12 भावों में सूर्य जो है वो खराब होते हैं, और जब सूर्य जो है जब सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा के साथ में बैठ जाते हैं तो अमावस्या का दोष बना देते हैं, जब सूर्य राहु के साथ में बैठ जाते हैं तो ग्रहण बना देते हैं, सूर्य केतु के साथ में बैठ जाते हैं तब भी अर्ध ग्रहण लगा देते हैं हमारी लाइफ में, और जब सूर्य शनि के साथ में बैठ जाते हैं तो सूर्य शनि का बहुत ही मंगल बद्ध कारक आप समझ लीजिए बिल्कुल ही खराब योग हो जाता है, और वो भी ग्रहण योग ही होता है। और सूर्य जो है जब शुक्र के साथ में बैठ जाते हैं, शुक्र के साथ में जब सूर्य बैठ जाते हैं तो गृहस्थी की ऐसी तैसी हो जाती है, गृहस्थी जो है वो हमारी खराब हो जाती है, पति को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, पत्नी को कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और सूर्य देव जो है वो बीमारी कौन सी देते हैं, ऐसे में अर्थराइटिस की बीमारी देते हैं, ऐसे में जिनके सूर्य शुक्र इकट्ठे होते हैं ऐसे लोगों को दिन में एक नहीं होना होता है, और ये सबसे बढ़िया सूर्य का परहेज होता है, अगर ऐसे लोग दिन में जो है वो एक ना हो, और ये बहुत ही बढ़िया परहेज जो है वो मैंने देखा है कि अगर हम इस परहेज को करते हैं तो उससे काफी हमें बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। और दूसरा अब हमें क्या करना है कि सूर्य को ठीक कैसे करना है, सूर्य को ठीक करने का सबसे बड़ा पहला उपाय है कि आप अपने पिता के साथ में संबंध अच्छे बनाएं, पिताजी के पांव छुए और उनसे माफिया मांगे, और उनसे अपने जीवन में होने वाली जो, क्योंकि पिता जो है आपको जन्म देने का कारक है। अब ऐसे ही आप सूर्य को जितना मर्जी जल जलाते रहिए, वहां पर पिताजी आपके घर में भूखे प्यासे बैठे हैं तो पिताजी की आपको सेवा जरूर करनी है, चाहे आपके पिताजी कितने भी गलत हो, अपने कर्म को मत खराब कीजिए। पिताजी ने अपने कर्म खराब कर लिए कोई बात नहीं, आप अपने कर्मों को मत खराब कीजिए, आप अपने मन से सच्चे मन से अपने पिता की सेवा कीजिए। जिनके पिताजी नहीं है वो पिता योग्य पिता जैसे किसी बुजुर्ग की जो है वो सेवा कर सकते हैं। डेली रूटीन को फॉलो कर लेंगे, तीसरा उपाय आपको बता रही हूँ, डेली रूटीन को जितना फॉलो करेंगे यानी कि आप समय पर प्रबंध रहेंगे, अपनी जुबान की जितनी वैल्यू देंगे और जितने आप जुबान के पक्के हो जाएंगे उतना आपका सूर्य जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसे आपने किसी को बोला कि मैं 3 बजे आ जाऊंगा तो 3 बजे वहां पर पहुंच जाइए, झूठ मत बोलिए, लिंगन ऑन बातों को मत कीजिए, ये चौथा उपाय है आपका, झूठ मत बोलिए, बातों को लिंगन ऑन मत कीजिए, ये आपका सूर्य खराब होने की निशानी है। जितना लोग लिंगन ऑन करते हैं बातों को, आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जितना लोग टालते हैं बातों को वो भी सूर्य खराब की निशानी होती है, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। सूर्य को जल तो सभी चढ़ाते हैं, सूर्य को जल आप 7 लाल डंडी वाली मिर्चें लें और उसमें सारी मिर्चों के बीज निकाल लें, और वो सारे बीज जो है वो सूर्य को आप अर्पण करें, गुलाब के फूल डालकर रोली डालकर आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ तो सभी लोग करते हैं, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही किया जाता है, उसे भी कीजिए, आपको नाम इज्जत प्रतिष्ठा में आपको जो है फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। विष्णु स्त्रोत को भी अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपका सूर्य जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको मान इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो मिलने लग जाती है। मेडिटेशन और योगा जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों के सूर्य खराब है, जितना आप मेडिटेशन करेंगे जितना आप योगा करेंगे उतने आपके सूर्य देव अच्छे हो जाएंगे, आपको बहुत 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 बढ़िया आपको फल देना शुरू कर देंगे। तो सूर्य जो है अगर लगन में किसी के जन्म कुंडली में केतु देव आते हैं तो वो सूर्य को उच्च कर देते हैं, राहु देव जब आते हैं लगन में तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो सूर्य को ठीक करने के जनरल उपाय मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ साथ में एक दो उपाय आपने और करने हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव है। बंदर जहां भी आपको दिखे उनको गुड़ और चना जरूर खिलाएं, बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं। और दूसरा उपाय भूरी चींटियां जो होती हैं उन्हें जैसे आप एक सामग्री बनाकर रख लीजिए, आधा किलो आटा आधा किलो किसी भी चीनी, उसको मिलाकर आप भूरी चींटियों को जो डालते हैं उससे भी आपका सूर्य देव जो है वो बहुत मजबूत होते हैं और आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो ये है सूर्य के बारे में मैंने आपको बताए जो उपाय, ये कीजिए और इससे आपके जीवन में सुख शांति मान सम्मान आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा आपके रिश्तेदारों में आपके आपकी जो है फेमस होना शुरू हो जाएंगे। और सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी जिनकी जिनको बार बार छूटने के योग बन जाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनके भी सूर्य खराब होते हैं। तो ऐसे ही उपाय करने से आपको सरकारी नौकरी के योग भी आपके
खुलेंगे। तो दर्शकों और साथ में आपको क्या करना है कि आपकी ईस्ट की दीवार पर, ईस्ट की दीवार पर आपने एक सूर्य भगवान का, सूर्य भगवान ब्रास के सूर्य, जमीन से 7.5 फुट ऊंचे, जमीन से 7.5 फुट ऊंचे सूर्य भगवान ब्रास के होने चाहिए वो, और वो आप जो है अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि, और आपका जो सूर्य है, सूर्य आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा वो आपकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो जमीन से 7.5 फुट की ऊंचाई पर ही आपको लगाने हैं और ईस्ट की डायरेक्शन में ही लगाने हैं। ईस्ट की डायरेक्शन पे अगर आप एक पेड़ लगा देते हैं, पेड़ आप किसी भी चीज से, वुडन पेड़ भी होता है आपका, और उसमें ग्रास भी दिखाते हैं नीचे, और उसका पेड़ का जो है स्टैम्प और उसमें बड़ी सारी लीव्स, कुछ भी अपने घर में डेकोरेटिव करके उसमें बना सकते हैं, अगर आप हैंडमेड भी बना सकते हैं, अगर आप उसे ईस्ट की दीवार पर लगाते हैं तब भी आपके सूर्य देव जो है वो बहुत बहुत अच्छा फल आपको देते हैं। और आप ईस्ट की डायरेक्शन में पवन पुत्र हनुमान की एक फोटो लगा दीजिए, जहां पर वो पर्वत लेकर जो वो उड़ रहे थे, जब वो पर्वत लेकर उड़ रहे थे, तो वो फोटो अगर आपको मिल जाए नेट से तो वो अभी आप अपनी ईस्ट की दीवार पर लगाए, तो ऐसे में आपके सूर्य आपको मंगल की सहायता से ऐसे आपको फल देना शुरू कर देंगे कि जो आप इतने लाखों रुपए के उपाय करने पर भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो देखिए दर्शकों, फिर दोबारा आपसे इसी प्रोग्राम के माध्यम से दोबारा चंद्र ग्रह पे बात करेंगे। अब हम चंद्र ग्रह कैसे खराब होते हैं और किस प्रकार से आप उनको ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को जो है आप ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को हमारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको, सारी नोटिफिकेशन जो हमारे ऑल प्रोग्राम्स की है वो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे।